फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट एंड गुड मॉर्निंग। यहाँ पे देख लीजिए, वैसे ये बिहार बीपीएससी का एडमिट कार्ड आ चुका है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है तो शायद एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों ने यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। आप लोग कृपया कर अपना सेंटर देख लीजिए। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, sarkarirejult.com पे जाएंगे और मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, डायरेक्ट लिंक आपको नोटिफिकेशन में, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाकर आप कर सकते हैं। तो देख लीजिए, इसका एग्जाम है एप्लीकेशन बिगनिंग जो हुआ था 28 तारीख से, इसका आपको लास्ट डेट कम्प्लीट 27/12 को एग्जाम है और एडमिट कार्ड आज इसका अवेलेबल हुआ है। वैसे 16 कल ही दिखा रहा था, कल ही अवेलेबल हो गया है। थोड़ा लेट वीडियो बना रही हूँ, लेकिन जिन लोगों ने एडमिट कार्ड नहीं चेक किया है तो कृपया कर चेक कर लीजिए। और कहाँ से चेक करेंगे, तो इस तरीके से आप जाओगे, नीचे यहाँ पे लिखा होगा डाउनलोड एडमिट कार्ड, ठीक है, डाउनलोड एडमिट कार्ड, यहाँ से क्लिक करोगे, क्लिक हेयर, तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो एक मिनट होने दो, देखो थोड़ा नेट स्लो है। तो देख लीजिए, अभी आपका एडमिट कार्ड हो सके तो अभी नहीं, क्योंकि कांट रीच द साइट बता रहा है, तो एडमिट कार्ड अभी ना खुले तो एक नोटिस है, वो नोटिस देखिए इसके आगे आपको करना क्या है। तो उसके आगे आपको देखिए क्या करना है। तो ये जो परीक्षा के परीक्षार्थी है, ई एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। जिस अभ्यर्थी ने डाउनलोड कर अपने पास सुनिश्चित करेंगे और समय का इंतजार नहीं करेंगे, अंतिम समय में एडमिट कार्ड निकालेंगे, हो सकता है अंतिम समय वेबसाइट से हटा दिया जाए। उसके बाद क्या करना है, अभ्यर्थी www.bpsc.in पर उपलब्ध घोषणा पत्र को पूर्ण रूप से भरकर और यहाँ पे फोटो चिपकाएंगे और हिंदी और अंग्रेजी में हस्ताक्षर यानी कि वो करेंगे सिग्नेचर करेंगे। आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ईटीसी कुछ भी होगी उसको अपने साथ एग्जाम सेंटर में ले जाएंगे, बट फोटोकॉपी नहीं ले जाना, इसके लिए उतना टेंशन मत, जैसे बैंक में ले जाया जाता तो फोटोकॉपी, ऐसा इसमें कुछ नहीं है।